माई डियर स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक जो कि मैं मुख्तसरन डिस्कस करूँगा, पाइथन के अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वैसे ही कर सकते हैं जिस तरीके से आप जावा या C++ या C# में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करते हैं। तो क्लास हम डिफाइन करते हैं क्लास के कीवर्ड से। तो मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका कार, इनिट का मेथड आपका कंस्ट्रक्टर है, और सेल्फ का कीवर्ड जो है इसको पास करना होगा हमें। ये इम्प्लिसिट आर्गुमेंट है, जिस तरीके से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर दिस होता है, यहाँ पर सेल्फ होता है। तो फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेल्फ के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा सेल्फ डॉट नेम, और इसको मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेल्फ डॉट एज इज़ इक्वल टू, एज भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। कोई इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर करना है मुझे, फॉर एग्जांपल सेट नेम, और इसमें भी पहला आर्गुमेंट हमें सेल्फ पास करना होगा, और एन जो है जो कि हम सेट करना चाह रहे हैं नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू एन। इसी तरीके से गेट नेम करना है, तो सेल्फ पहला आर्गुमेंट होगा और हम रिटर्न करा देंगे सेल्फ डॉट नेम। इस तरीके से हम एज के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सेट एज। तो ये एज भी रिटर्न हो गया। यहाँ पर हम जो है प्रिंट डिटेल्स का एक फंक्शन बनाते हैं, जो कि नेम और एज दोनों को प्रिंट कर दें हम, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास बन गई, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हमने, और हमने जो है इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम और एज, दो इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस मेथड बनाया हमने सेट नेम। तो फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और एस इज़ इक्वल टू स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं होगा जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है। मैं एस डॉट प्रिंट डिटेल्स कराता हूँ, तो नेम और एज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट डिटेल्स को मैं कॉल करता हूँ अली और 20। मैं चाहूँ नेम मैं चेंज करना चाहूँ, तो सेट नेम मैंने कर दिया असद, और एस डॉट सेट एज मैंने कॉल कर दिया 30। अब मैं प्रिंट डिटेल्स करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि असद और 30 प्रिंट होगा। ये थोड़ा सा तारुफ था कि किस तरीके से क्लासेस क्रिएट